नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। अब नजर डालते हैं खबरों पर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में बुढ़नपुर तहसील परिसर में धरना दिया तथा राज्यपाल के नाम संबोधित एक सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को सौंपा। धरना प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों तथा रसोई गैस के दामों पर रोजगार न मिलने पर युवा बेरोजगार पर के नारे भी लगाए गए। तहसील परिषद में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात थी। विशाल धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि आज भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। यहाँ का पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, आज डीजल पेट्रोल के दामों तथा रसोई गैस के दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। रोजगार न मिलने से युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है। भाजपा के लोगों द्वारा पंचायत चुनाव में जमकर तांडव मचाया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सी बातें कहीं सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर आज समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार को आगाह। आपने देखा होगा उस दिन पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से मिलकर के जिलाधिकारी से मिलकर के समाजवादी पार्टी ने अवगत कराया था कि बड़े पैमाने पर पुलिस प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। कई बार हमारे कहने के बावजूद प्रशासन ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि एक सर्वे आया, उस सर्वे में जो दिखाया गया कि जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई। चारों तरफ जहां आप खड़े हैं, चारों तरफ नजर आप डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। जो आंकड़े आए, जो सर्वे आया उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत खजियत हुई। उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी उसी तरह का नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का प्रयोग करके, प्रशासन का प्रयोग करके अतरौलिया ब्लॉक के अंदर विधि सम्मत हमने कंपेनियन बनाने के लिए आवेदन दिया, हमारे आवेदन को रद्द कर दिया गया। बार बार हमने अन्याय विनय किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई ठोस बिना कारण बताए एक तानाशाही रवैया अपनाकर, गुंडागर्दी अपना करके हमें नहीं दिया गया। वही जब हम पुलिसा ब्लॉक को जीत रहे थे, बड़े अंतराल से हम जीत रहे थे, हमारे प्रमुख पद के प्रत्याशी महेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, मेहनती व्यवसायी है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद रातों रात पुलिस ने जहां जहां हमारे बीडीसी के रहे थे या बीडीसी स्वेच्छा से जहां थे उन बीडीसीओं के हाथ छापेमारी की, उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया, उठा करके पुलिस ले जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है जो शराब बेचता है उसके यहां ले जाकर के दे देने का काम हुआ। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी शराब व्यवसायी के आगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन घुटने टेक दिया। आज जो विशाल हुजूम केवल टेलीफोन की सूचना पर, आज आप देखे होंगे गांव गांव से निकल करके लोग आए हैं, जनता में व्यापक आक्रोश है। लोकतंत्र का इस तरह हमने भी चार बार सरकार बनाया था, कोई माई का लाल एक उंगली उठा करके कह दे कि अमुक जगह आपने किसी को बलपूर्वक या पुलिस के द्वारा आपने किसी को धमकाने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी अतरौलिया के अंदर, पलिसा के अंदर, पारला जहां